नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ्स यानी गणित के दोस्तों 6 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप कोई सा भी पेपर देंगे तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में जरूर आएंगे। और इन प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करने के लिए मैं आपको आसान ट्रिक बताऊंगा, जिनकी सहायता से आप दोस्तों इन प्रश्नों को मात्र 2 ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, आप कमजोर छात्र भी हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कमजोर छात्रों को विशेष रूप से पढ़ाता हूँ एकदम आसान भाषा में और एकदम आसान तरीका से। इसलिए दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना है। एक चीज और दोस्तों मैं बता दूं, दोस्तों मैं अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूं। दोस्तों, आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप मेरा नाम अजय सिंह सर्च करके आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरी वहां सारी वीडियोस को आप फ्री में देख सकते हैं। अन अकेडमी का दोस्तों लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप मुझे वहां से भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं मैथ के 6 महत्वपूर्ण प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, पहला आपका प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और दोस्तों इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैथ के प्रश्नों को आप अगर जो अच्छे से समझ ले रहे हैं, भाषा उसकी क्या कह रहा है, तो आप प्रश्न को भी आसान भाषा में सॉल्व कर लेंगे और जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, प्रश्न है आपका, अमित एक बस 15% की हानि पर 23,800 रुपये में बेचता है, उसे 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको लाभ हानि के जो पहला पार्ट बताया था उसमें बेसिक चीज़ बताया था, तो उसमें आपको बताया था अगर जो किसी वस्तु को हानि पे बेचा जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसके 100 से उसे घटा लेंगे। जैसे कि इसे हानि पे बेचा गया है, पहले 15% की हानि पे बेचा गया है, तो हम क्या करेंगे 100 से घटा लेंगे, यानी कि 100 से जब 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 85%। तो यही 85% की वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, कितना 23,800 रुपये। फिर है उसे 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो हम ये भी चीज बताया था आपको, जब लाभ होगा तो उसे हम क्या करेंगे 100 में जोड़ देंगे। तो अब हम वैल्यू किसका निकालना है 115% की। 115 कैसे, 15% की लाभ है तो 100 में जोड़ लेंगे तो 115%। अगर जो उसका सीपी पूछ लेता, क्रय मूल्य पूछ लेता, तो वो कितना होता 100% होता। तो अगर जो क्रय मूल्य पूछता तो हम 100% की वैल्यू निकालते, लेकिन ये पूछ रहा है 15% लाभ पाने के लिए, तो हम क्या करेंगे 115% की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, अगर जो यहां पे देख लेंगे, मान लेंगे सीपी क्या है 100% है, और फिर आपका आगे प्रश्न देखेंगे, ये सीपी आपका कितना है दोस्तों, यहां से देख लीजिए आपका सीपी कितना है 100% है, और 15% की हानि पे बेचा है, तो 85% की वैल्यू कितना हो जाएगी, यहाँ लिख दिए दोस्तों 85% की वैल्यू 23,800 रुपये हो गई 23,800। और 15% लाभ पाने के लिए हम क्या करेंगे 115% की वैल्यू निकालेंगे। तो 115% बराबर लिख लेंगे, 115% बराबर क्या हो जाएगा, ये 23,800/85 यहाँ हो जाएगा 23,800/85 और गुणे 100, इतना हो जाएगा 23,800/85 × 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 115% की वैल्यू, यानी कि 15% लाभ पाने के लिए उसे कितना में बेचेगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा 32,200 आंसर आ जाएगा। 32,200 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और दोस्तों, इसको सॉल्व करना भी आपको बताए थे आसान तरीके से, सॉल्व इसको कैसे करना है तो ये भी बताया था। तो आपको कटाना कैसे है, तो आप कटा लेंगे, यहाँ 85 नीचे देख रहे हैं तो 17 × 85 और इसे कटा लेंगे 23,800 को, तो 17 × 17 और 3 × 3 = 68 हो जा रहा है, तो 17 × 4 = 68 यानी कि यहाँ हो जा रहा है 1400। और फिर इसको 5 से कटा लेंगे 1400, तो कितने बार में चला जाएगा 5 × 10 5 × 40 और 0 ये हो गया 280। ठीक है, अब 280 हो गया, फिर उसके बाद से आप क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, 115 × 280 कर लेंगे 32,200 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुणा करना भी आपको बता चुके हैं आसान भाषा में, कटाना भी बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। एक व्यक्ति 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदते हुए उसको 15% के नुकसान पर बेच देता है, साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है। देखिए दोस्तों, प्रश्न आप समझिए पहले क्या कह रहे हैं, प्रश्न कह रहे हैं 1400 रुपये में साइकिल खरीदा है और 15% के नुकसान पर बेचता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। नुकसान पर बेच रहा है 15%, तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है आप बताइए, 85% की वैल्यू निकालना है। 1400 रुपये में खरीदा है और 15% के नुकसान पर बेच रहा है, तो हम क्या करेंगे 1400 का 85% निकालेंगे। तो 1400 का 85% कैसे निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, क्रय मूल्य सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस ये क्या है 1400 रुपए है। अब एसपी उसकी क्या हो जाएगी, एसपी हम निकालेंगे तो 1400 का हम क्या निकालेंगे डायरेक्ट 85% निकालेंगे। तो 85% कैसे निकालते हैं, 1400 × 85/100
जितना परसेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे उतना बटा 100, तो हम 85% की यानी 15% को नुकसान पे बेचा है तो हम 85% की ही वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अगर जो 20% की हानि पे बेचता तो हम 80% निकालते, अगर जो 50% की हानि पे बेचता तो हम 50% उसकी वैल्यू निकालते, ठीक है। तो जितना हानि पे बेचेगा उतना हम 100 से घटा के लिखेंगे, अगर जो इसे लाभ पे बेचता तो हम उसमें 100 में जोड़ के निकालते, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों जब इसको आप सॉल्व करेंगे इस स्टेप को, तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, दो जीरो नीचे दिख रहा है, यहाँ पे भी दो जीरो ऊपर दिख रहा है, दोनों जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया, और फिर आप क्या करेंगे गुणा कर लेंगे 14 में 85 से, 14 पचे 70 का यहाँ जीरो हो जाएगा, और 14 अठे आपका 112, 7 जोड़ लेंगे तो 119, यानी कि 1190 रुपये ये आपका आंसर हो गया। दूसरा मेथड देख लीजिए दोस्तों, एक और मेथड है, सेकंड मेथड देख लीजिए ये वाला। तो हम क्या करेंगे, आपको अगर जो निकालना है, प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 1400 रुपये में साइकिल खरीदते हुए उसको 15% के नुकसान पे बेच देता है, तो हम 1400 का 15% भी निकाल सकते हैं और 1400 में से घटा देंगे। तो 1400 का आप आसान भाषा में 15% कैसे निकालेंगे, तो 1400 × 15 / 100 ये चीज़ कर लेंगे, और इसके बाद से आप क्या करेंगे कैंसिल कर लेंगे, दो जीरो से दो जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 15 × 4 = 60 का जीरो, और 15 × 1 = 15, 6 = 21, 210 रुपये आ गया। अब क्या करेंगे, 210 को हम 1400 से घटा देंगे, 1400 से क्या करेंगे 210 को जब घटा देंगे तो 1190 रुपये आ जाएगा, यानी कि साइकिल का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो 1190 रुपये हो जाएगा। 1190 आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस टाइप के दोस्तों प्रश्नों को आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे आपको मैं समझा चुका हूं, जब हानि होगी तो उसको हम 100 से घटा के लिखेंगे, और जब लाभ होगा तो उसको हम 100 में जोड़ के लिखेंगे, और प्रश्नों को आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस टाइप के प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, और दोस्तों आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और एक शेयर भी दोस्तों आप जरूर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, दोस्तों आप जहां पे भी चाहें आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, इसलिए दोस्तों शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग जुड़ सके और भी अच्छे से समझ सके। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप होंगे आप उसमें शेयर जरूर करेंगे, और दोस्तों मैं बता दूं नीचे आपके लिए टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक भी दिया हूं, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं, और जिनकी मैथ की आपकी हुआ, साइंस की हुआ, PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, तो टेलीग्राम और फेसबुक पेज से आप दोस्तों जरूर जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न है आपके लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए प्रश्न ध्यान से पढ़िए तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, 5000 रुपये पर 3 वर्ष में 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर बनने वाला मिश्रधन रुपये में ज्ञात करें, मिश्रधन पूछ रहे हैं। मिश्रधन का मतलब दोस्तों क्या होता है आपको बता दूं, जो आपका धन होता है मूलधन, मूलधन इसका कितना है 5000 रुपये, 5000 रुपये ये आपका मूलधन है, और मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को जोड़ के पूछ रहे हैं कितना रुपये होगा, तो देखिए दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को आपको सॉल्व करने के लिए आपको इसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता रहा हूं, देखिए कह रहा है आपका प्रश्न एक बार और अच्छे से देख लीजिए, 5000 रुपए को 3 वर्ष में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, जब चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा तो पैसे का मूल्य क्या होगा, बढ़ेगा, आपको पता है बढ़ेगा, वृद्धि होगी ना उसमें, तो वृद्धि को हम कैसे लिखते हैं, 100 में जोड़ के लिखते हैं, और कितना की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, तो 100 में हम क्या करेंगे 10% जोड़ देंगे, यानी 110% लिखेंगे, और कितने वर्ष तक चल रही है, 3 वर्ष तक कह रहे हैं ना, 3 वर्ष में, तो हम क्या करेंगे 110 बटा 100 कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। अब मूलधन कितना है 5000, यहां से आप सॉल्यूशन देख लीजिए इसका, 5000 गुणे 110 बटा 100 गुणे 110 बटा 100 गुणे 110 बटा 100, 3 बार लिखे 3 वर्ष के लिए, अगर जो 4 वर्ष के लिए कहता है तो 4 बार लिखते, 5 वर्ष के लिए कहता है तो 5 बार लिखते, और प्रश्न को आसान से सॉल्व कर लेते, तो ठीक है बस जब इतना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। देखिए मिश्रधन कैसे आता है, अब इसको क्या करेंगे आप सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपका 2 जीरो है, नीचे 2 जीरो है, यहाँ पे भी ऊपर 2 जीरो है, फिर नीचे यहाँ पे 2 जीरो है, तो ऊपर से भी 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, कैंसिल करते जाएंगे, फिर ऊपर नीचे 2 जीरो है, ये और ये, नीचे सारा अंक कट गया है, ऊपर सारे 0 भी कट गए हैं, तो बच क्या रहा है आपका, यहाँ पे 5 बच रहा है, 11 बच रहा है, 11 बच रहा है, 11 बच रहा है, तो ये चीज़ लिख लेंगे, 5 × 11 × 11 × 11 ये चीज़ लिख लेंगे, और आपको इसको गुणा कर लेंगे, गुणा कैसे करना है,
ग्यारह ग्यारह हम 121 और ग्यारह 1331 और गुणे क्या कर लेंगे 5 कर लेंगे तो आपका 6655 रुपये ये आंसर आ जाएगा। ये क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। ठीक है, क्या आ गया, ये मिश्र धन आ गया। और अगर जो पूछ लेता कि ब्याज कितना है, मिश्र धन पूछ रहे हैं ना आपका, मिश्र धन रुपये में ज्ञात करें 6655 रुपये, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर जो सिर्फ पूछता ब्याज क्या है, अगर जो आप ऐसे ब्याज निकालने के लिए भी क्या करते हैं, मिश्र धन निकाल के मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा, यानी कि 6655 रुपये मिश्र धन आया है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, मूलधन कितना है 5000 रुपये है ना, तो इस 5000 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये ब्याज आ जाएगा। तो जब 6655 में से 5000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1655 रुपये, 1655 रुपये ये क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ब्याज अगर जो पूछता तब, ये चीज़ नहीं पूछा है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इतना चीज़ बता दिया हूँ कि आप कहीं फिर से प्रश्न आए ब्याज पूछ ले तो आप इसमें फंसेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस टाइप के प्रश्नों को भी अच्छे से समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, चौथा प्रश्न है। देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पेपर में पूछा जाता है, और इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए नो पेपर नो पेन डायरेक्ट आंसर। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को आप डायरेक्ट कैसे आंसर देंगे बिना पेन और बिना पेपर के लिए, यानी कि बिना सॉल्व किए। आपको देखिए कैसे सॉल्व करना है, प्रश्न आप अच्छे से पढ़िए पहले। सलीम की आयु 10 वर्ष है, उसके दादा की आयु 62 वर्ष है, कितने वर्ष बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुना होगी, ये चीज़ पूछ रहे हैं ना। प्रश्न को समझ गए, कैसे प्रश्न को समझ गए, देखिए प्रश्न को फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ, जब आप प्रश्न समझ लेंगे तो क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सलीम की आयु कह रहा है 10 वर्ष है और उसके दादा की आयु क्या है 62 वर्ष है। अब प्रश्न कह रहा है कितने वर्ष बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुना हो जाएगी। तो इसको दोस्तों सॉल्व करने के लिए मेथड है गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन से हम सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे दोस्तों अगर जो इसकी सलीम की आयु कितनी है, यहाँ से देख लीजिए फिर से एक बार, सलीम की आयु कितनी है 10 वर्ष है, 10 वर्ष में हम 6 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी 16 वर्ष हो जाएगी। और इसमें भी दादा की भी तो 10 वर्ष 6 वर्ष बाद अगर जो, तो दादा की भी आयु बढ़ेगी, 62 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62 6 68 हो जाएगा, 62 6 कितना हो जाएगा 68। और क्या ये 16 से गुणा करेंगे तो 68 5 गुना हो रहा है तो 16 5 80 होता है, नहीं हो रहा है तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन देखेंगे, 10 वर्ष है सलीम की आयु, ये सलीम की आयु 10 वर्ष है, उसमें हम क्या करेंगे 5 वर्ष जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सलीम की आयु 15 वर्ष हो जाएगा और दादा की आयु 62 वर्ष है तो उसमें भी 5 जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 62 5 67 हो जाएगा। क्या ये 5 गुना है 15 का, 15 5 75 होता है, नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो जाएगा। इसे जल्दी जल्दी मिला सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए धीरे धीरे समझा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, इसी वाला ऑप्शन जब चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष सलीम की आयु है, 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 14 वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 वर्ष हो जाएगा। और दादा की 62 वर्ष है, 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, इनका भी तो बढ़ेगा तो 62 4 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो ये क्या 14 × 5 करेंगे 14 5 70 होता है, 66 नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप मिलाएंगे। और नेक्स्ट आपका तीसरा ऑप्शन बचा, जब तीन ऑप्शन नहीं हुए तो चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही हो गया, मिला लेंगे। अगर जो दोस्तों 10 वर्ष है किसकी, सलीम की आयु, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 13 वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 वर्ष। और दादा की आयु उसके कितनी है 62 वर्ष, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा उनका 65 वर्ष हो जाएगा। क्या 13 से गुणा करेंगे 5 में तो 13 5 65 आएगा, तो हाँ आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 3 वर्ष क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा सलीम की आयु 13 वर्ष और दादा की आयु क्या हो जाएगी 65 वर्ष। और ये कह रहा है कि प्रश्न भी कह रहा है कितने वर्ष बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु की 5 गुना होगी, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगी 13 5 65, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को आप ऐसे आसान भाषा में और जल्दी से सॉल्व कर लेंगे इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के भी प्रश्न बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। किसी धातु में निकिल और लोहे का अनुपात क्रमशः 8:2 यानी कि 8:2 है। धातु में लोहे का प्रतिशत पूछ रहा है। जब दोस्तों अनुपात में प्रश्न रहे तो ये इसे हम मान लेंगे 8 kg है या 2 kg है या 8 क्विंटल है या 2 क्विंटल है, जब अनुपात में है तो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो निकिल कितना है आप देखेंगे, निकिल और लोहे का अनुपात, सोल्यूशन आपको समझा रहा हूँ, प्रश्न एक बार और आप समझ लीजिए। किसी धातु में, कोई धातु है दो प्रकार के धातु से मिलकर बना है, निकिल और लोहा से बना है, और जिसमें लोहे का अनुपात है कितना
निकिल का अनुपात, पहला निकिल है तो निकिल का अनुपात 8 है और लोहे का अनुपात 2 है, तो लोहे का अनुपात कम है, निकिल का अनुपात ज़्यादा है। तो पूछ रहे धातु में लोहे का प्रतिशत पूछ रहा है, तो लोहे का प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे निकिल इज टू लोहा, कितना है 8:2, टोटल कितना हो जाएगा, अगर जो 8 kg निकिल है और 2 kg लोहा है तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा ना टोटल, तो टोटल है 10, ठीक है। तो लोहे का प्रतिशत पूछ रहा है, तो लोहे का प्रतिशत हम निकालेंगे, तो लोहे का प्रतिशत बराबर क्या होगा, लोहा बटा टोटल धातु उसके गुणे 100, प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100 लिखना है। तो लोहा कितना है 2 है और निकिल कितना है, और निकिल नहीं टोटल कितना है 10 है, ठीक है, 2/10 ये लिख लेंगे, 2/10 और प्रतिशत पूछ रहे हैं तो गुणे 100%। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जीरो से आपका ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा, अब 10 से 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 × 20%, तो 20% क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि लोहे का जो प्रतिशत है 20% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्नों को ऐसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे एक बार और समझ लीजिए, अगर जो निकिल का प्रतिशत पूछता तो हम क्या करते, 8 लिख लेते, निकिल का अगर जो प्रतिशत पूछता तो 8/10 लिख लेते हम, 8/10 और गुणे 100 कर लेते, ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो कट जाता, 10 × 80 हो जाता निकिल की, ठीक है, ऐसे भी लोहे का 20% आया है तो निकिल का कितना हो जाएगा 80%, टोटल तो 100% है। तो इस टाइप के प्रश्न को दोस्तों ऐसे सॉल्व करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को आप सॉल्व करना सीख गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के भी प्रश्न बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। प्रश्न है, एक आयताकार मैदान 90 m × 70 m का है, एक आदमी इसकी 5 बार परिक्रमा करता है, उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। तो आयत कैसे होता है, पहले तो आपको समझना होगा आयत, देखिए दोस्तों आयत इस टाइप से होता है, यहाँ पे फिगर बनाया हूँ, आयत इस टाइप से होता है, आयत का लंबाई कितना है चौड़ाई कितना है, तो 90 × 70 m का है तो ये आपका 90 m हो गया, तो ये आपका 70 m हो गया, तब फिर से दोस्तों अब नीचे वाला भी क्या होगा 90 m का होगा और इधर वाला भी ये क्या होगा 70 m का होगा, तो हमें इसकी परिक्रमा करना है तो कितना दूरी चलेगा, एक बार अगर जो परिक्रमा करे तो हम इसको जोड़ लेंगे दोस्तों, इसमें इसी पे रेखा पे ही ये चलेगा, इस पे ही चलेगा, ये 5 बार परिक्रमा इस पे करेगा, किस पे, ये जो लाइन है आयताकार, तो इसकी कुल परिमाप मान लेंगे, परिमाप मतलब क्या होता है, पूरा चली गई दूरी आयत के जितना दूरी है उस पे चला गया, तो 90 + 70 + 90 + 70 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 320 m हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 320 m, और कितने बार इसको परिक्रमा करना है 5 बार परिक्रमा करना है, तो 320 गुणे हम क्या लिख लेंगे 5 लिख लेंगे, 320 गुणे 5 और 5 अब से 320 में गुणा कर लेंगे, 5 × 0 = 0, 5 × 10 = 0 और 5 × 15 = 16, यानी कि 1600 m वो टोटल दूरी चलेगा, 1600 m किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस टाइप के दोस्तों प्रश्नों को आप ऐसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे समझ गए होंगे कि आयत ऐसे होता है, तो यहां पे जब 90 चला है यहां पे 70 चला है तो यहां पे भी 90 चलेगा और यहां पे भी 70 चलेगा, और इनको जोड़ के क्या करना है 5 से गुणा कर देना है, 1600 m आपका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस टाइप के प्रश्नों को भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सब दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी दीजिएगा, और दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं, मैथ के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, वहां पे दोस्तों आप क्लिक करके बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन पे भी प्रेस कर लेंगे ताकि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।